ओ नमो नम गीताभ्यासेू डॅश सेवेटी टू एषा ब्राह्मीस्ते अ स्टडी बाय एस एल अभ्यंकर मुंबई सोमवासरे ऑक्टोबर नैनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी इट् वुड बी गुड टु बिगिन एव्री सेशन ऑफ गीताभ्यास वि रेसिटेशन ऑफ गीताध्यानम एंड दिनमनवाक्यम ओं पाथय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासन ग्रथिता मध्ये महाभारत अदतावर्षिणी भगवतीमशाध्यायिनी अंब तामुदा भगवद्गीतेषिणी ओम श्री परमात्मने नमः एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैना प्राप्य विमुयति स्थिवामत काले ब्रह्म निर्वाण मृक्षति पदछेद एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न एना प्राप्य विमुयति स्थिवा अस्या अंतकाले अभी ब्रह्म वाक्यवशेषोभ्यास विह कॉलम सिर्र अंक अव्य अंता कर्तुपदीय कर्मपदीय क्रियापदीय एशा ब्राह्मी भवति और उच्यते योगी एनाम प्राप्य न विमू्य अंतकाल अथिवा योगी ब्रह्म ऋति वाक्यवशेषा पदाभ्यास पार्थ एशा ब्राह्मी स्थित पाथ सन् पृथ् अत्र अलिंग प्रथमा एक वचनम धीस ब्राह्मी विशेषण स्त्रीलिंग प्रथमा एक नोट शब्दकल्पद्रुमे त्रि कृष्ण मतलब दैट means विशेषण ब्रह्म प्राप्तियो ज्ञा यथा मनु हु 2-28 स्वाध्याये न प्रतायर्हो मैस्त्री विद्ये नेजयास सुतायि महायद्येश्य यद्येश्य, यद्येश्य ब्राह्मीयम् क्रियते तनु हुं भवा यथा गीता सेम श्लोक एज बिन कोटेड ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ स्थिति ही स्त्रीलिंग प्रथम एक स्टेट एनाम प्राप्य न अत्र स्त्रीलिंगम द्वितीया एक चनम, प्राप्य प्र, प्र प्लस आ टू गेट टू एटेन्चमगणीय परस्मेंपदी तस्य न विमूति वि प्लस मुह चतुर्थगणीय परस्मैपदी टू बी डिस्ट्रैक्टेड लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन अंत काले अस्याम स्थित्वा अंतकाले काले अंत सप्तमी एक वचन अंत काल अंत काल षष्ठी तत्पुरुष अंत अंत एंड ऑफ लाइफ पुिंग षष्ठी एक वचन काल काल टाइम पुिंग प्रथमा एक वचन अंत Time of end of life, time of last breath. Asyam idam sarvanam sridingam saptami ekvachanam sthitwa stha to stay put. Prasamakaniya parasme padi tasyakthwantam brahmanirvanam ruchati, brahmanirvanam brahma prati nirvanam brahma brahman napasakalingam. द्वितीय एक वचन द्विती बिकाज़ ब्रह्म प्रति टुवर्ड्स ब्रह्म अन् टू ब्रह्म निर्वाण ए फाइनल लिबरेशन और इमेन्सीपेशन फ्रॉम मैटर एंड विद द सुप्रीम स्पिरिट, इटर्नल ब्लिस, परफेक्ट एंड परपेचुअल काम रिपोज रुचतिटेम प्रथम गणीय प्रश्नपति लट प्रथम प्रथमपुर एक वचन भाष्य एलिसिडेशन बाय एशा यथोक्ता ब्राह्मी ब्रह्मणि भवा इतिथि सर्वर्मस ब्रह्मेण्वैब अवस्थान हे पार्थ न एनाम स्थिति प्राप्य न विमुह्यति न मोहं प्राप्नोति स्थित्वा अस्यां स्थितौ ब्राह्म्यां यथोक्तायाम् अन्तकालेऽपि अन्त्ये वयस्यपि ब्रह्मनिर्माणं ब्रह्मनिवृत्तिं मोक्षं रुच्छति गच्छति किम् वक्तव्यं ब्रह्मचर्यादेव सैन्यस्य यावज्जीवं यो ब्रह्मण्ये वा अवतिष्ठते सः ब्रह्मनिर्माणं रुच्छति इति अन्वया था पाथ एशा स्थिति। ए सन्फ दिस सच स्टेट इज ब्राह्मी स्टेट इज़ द स्टेट वेन वन इज वन प्राप्य न नीमुहती ऑन अटेनिंग सच स्टेट वन डज नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड अंत कालें स्थित बाय बीइंग इन दिस स्टेट इवन एट द टाइम ऑफ द लास्ट ब्रेथ ब्रह्म निर्वाणम रुच्छति वनवुड मेरिट अटेनिंग ब्रह्मन् छंदो विश्लेषण एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ अष्टाक्षराणि स्थिति पा एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे नैनाम प्राप्य विमुह्यति अष्टाक्षराणि विमुह्य एतेषां मात्राः एका द्वे एका सित्वास्यांतकालेपि अष्टाक्षराणि अंतकाले एषां मात्राः एका द्वे द्वे ब्रह्म निर्वाण मृति अष्ट अक्षरा न एका द्वे एका अनुष्टुप अन्ष्टुंद स्वाध्याय नोट्स ऑफ सेल्फ स्टडी इन द फ्रेज एशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ द वर्ड ब्राह्मी इज एडजेक्टिवल ऑफ स्थिति आई वंडर वेदर द वर्ड ब्राह्मी कैन एवर बी एक्टी ट्रांसलेटेड इन एनी लैंग्वेज A state such as Brahmmaitihi is only to be experienced, and one who would attain that state would not be interested in sharing that experience. That would be the reason again why it appeals to be an undefined, indescribable state. It seems to be the state of ultimate spiritual experience. Spiritual precepts may be able to guide their disciples. In their spiritual pursuit. But the particular state has to be achieved by the disciple himself, by his own merit, by his own effort, by his own pursuit. The, the pronominal adjective, Esha, is actually to be taken to be extension of the thought expressed in previous verses. That is why in Shankar also the word Esha is explained as Yathokta, as said earlier. The specific phrases in the previous verses, 2 70, also 2 71, are hoti' and madhikachati'. he who attains peace. I think it is good to premise that that state of ultimate quietude. Is I have been intrigued for long about the purpose of the mention Antakale api Asyam Sitva Brahmanirvanam Ruchati. By being in this state, even at the time of the last breath, one would merit attaining Brahma. One may ask, what use is it by being in that state at the time of last breath? Why then mention it at all? Just now, when deliberating on this shloka at this instant, it comes to mind that the spiritual at pursuit as at attaining Brahman is not a task for management by objectives, MBO. There are no set rules that you do this, 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 and you will attain Brahman. Attaining Brahman will happen if you merit it, only if you merit it. What all you can do is to be on the spiritual path, and maybe you will merit it at the time of your last breath. If you merit it attaining Brahman, you merited it. It is success; is its own reward. It doesn't really matter. Even if you merit it at the time of the last breath, what matters is that you should be spiritually correct all the time. That brings to mind the Subhashitam. अजरामरवत प्राज विद्याच साधे गृहीत केशेशु मृत्युना धर्म आचरे एज इफ देर इज नो ओल्ड एज नो डेथ प्राज्ञ अ वाइज पर्सन नॉलेज अर्थम च एंड वेल्थ साधये शुड एक्वायर गृह इव इफ हेल्ड एट द हेयर Nityana by death, dharmam, righteousness, acharet, should observe. Pursuing spirituality also is inclusive of righteousness. Also, why should the last breath happen when not being righteous in thought, word, and deed? But we have no control on when the last breath would happen. So, for not to be breathing last, when not righteous, we should be righteous all the time. So, for Nirvanam to be Brahmanirvanam, we should practice Shanti, quietude of the mind, that is spirituality, all the time. That seems to be the significance of Antakaleya Pyasyam Sitva Brahmanirvanam Again, in this Subhashitam, the most common meaning of Artha is wealth. बट अन मीनिंग ऑफ अर्थ है ईज मीनिंग सो द मीनिंग ऑफ् अजरामरवत प्राज्ञा विद्यामर्थ साधय वुड बी अ वाइज पर्सन शुड एक्वायर नॉलेज एंड मीनिंगफुलने ऑल द टाइम लाइट शुड लाइफ शुड बी लाइट ऑल द टाइम एक्वायरिंग नॉलेज एंड मीनिंग फुलने देर इज मीनिंग फुलने इन प्रैक्टिंग स्पिरचुअलिटी दट ईज इन प्रैक्टिंग शांति quietude of the mind not to be disturbed by any worldly happening such shanti quietude of the mind cannot happen by itself That too at the time of the last breath on which we don't have any control it has to be cultivated there cannot be any guarantee that there will be shanti quietude of the mind at the time of the last breath even with wholehearted cultivation. वन वन शुड नॉट फर से द प्रैक्टिस फॉर द रीजन दैट देर इज नो गैरंटी इट इज वेल सेट फर्दर फर्दर ऑन बहूना जन्मना ज्ञानवाम प्रपद्यते सी गीता सेवन डैश नाइंटी वन मे रीच मी आफ्टर मेनी पर्स एंड डेथ्स ऑफकोर्स देर इज नो स्पेटिसफाइड अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू विल रीच हिम By practicing righteousness for such and such amount of time. It is not an objective to be achieved by MBO. Nevertheless, whenever it has to happen, it will never be achieved by unrighteousness. So one has to be righteous all the time. One has to practice quietude of the mind all the time. That is what the first Patanjali Yoga Sutram says. योग चित्तवृत्ति निरोध दट योग मींस कंट्रोलिंग वैवरिंग वॉन्डरिंग ऑफ द माइंड दैट इज प्रैक्टिसिंग क्वाइट्यूड ऑफ द माइंड देर आर मेनी फ्रेजेस अक्रॉस गीता सच एस स शांति में आपनोती स शांति में थी गच्छति ऐसा ब्राह्मी स्थिति ब्रह्म निर्वाण रुच्छति ज्ञानवान्मा प्रपद्यते They all are, are to be taken to be synonymous because they all speak of the state of ultimate bliss. Gita should be studied to understand how and what to cultivate to be eligible for that ultimate bliss. Shubhamastu.